डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट समझा था। अब हम एक क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन में आता है सब्सक्रिप्शन का पॉइंट और कैसे करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय रोज क्लब वर ₹7 लाख। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। अब अगर सब कुछ रिसीव हुआ है तो ये रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट में आएगा, क्योंकि रिसिप्ट है। तो रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट में हम लिखते हैं इसको, ये रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट डेबिट में आती है, डेबिट में टू सब्सक्रिप्शन लिख दिया, अमाउंट ₹7 लाख, ये लिख दिया, ₹7 लाख मिले। तो ये सब्सक्रिप्शन जो मिला है, एक आस्पेक्ट तो ये है कि ये रिसिप्ट है, इसलिए रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के डेबिट में, रिसिप्ट साइड में आएगा। अब सब्सक्रिप्शन यानी क्या, जो मेंबर्स से हमको मेंबरशिप फीस मिलती है उसको बोलते हैं। तो ये इनकम भी हुई, अगर ये इनकम भी है तो फिर इसको इनकम में भी लिखेंगे, इनकम यानी एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में भी लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन ₹7 लाख, ये लिख दिया। तो इस तरीके से ये हमारी इनकम भी है, तो ये सेकंड आस्पेक्ट है, उसके साथ इनकम भी लिख दिया। पर देखो मैंने इसको अंदर लिखा है, अंदर इसलिए लिखा है कि ये भी हमारी फाइनल इनकम नहीं है। फाइनल कैसे नहीं है, ₹7 लाख मिल तो चुके हैं, पर इसमें हो सकता है कि कुछ अमाउंट पिछले साल का हो, वो माइनस हो जाएगा क्योंकि वो इस साल का नहीं है, और जितना इस साल का बाकी रह गया, ड्यू रह गया, एरियर रह गया, वो मिलना है, वो इनकम है, वो एड होगा। क्या मतलब, तो क्वेश्चन देखते उससे समझ में आएगा। तो देखिये, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, ये हमने रिसिप्ट में लिखा, एज वेल एज दिस इज आवर इनकम, तो इसको इनकम में भी लिखा। आगे क्या लिखा है, दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड ₹20,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। कहा है कि इस ₹7 लाख जो सब्सक्रिप्शन मिला है, मेंबर से जो मेंबरशिप फीस मिली है, उसमें 20,000 इंक्लूड है, कब के, जो मार्च 19 में ईयर एंड हो रहा है उस ईयर के। हमारा ईयर जो है, करंट ईयर है, वो कौन सा है, जो ईयर एंड हो रहा है मार्च 2020। मार्च 20 में यानी इस साल जो ईयर एंड हो रहा है, हम उसके अकाउंटिंग कर रहे हैं। और इस साल हमको जो ₹7 लाख मिले, इसमें पिछले साल जो सेशन एंड हुआ था उसके 20,000 इंक्लूडेड, तो वो इनकम इस साल की थोड़ी है, इसलिए माइनस कर देंगे। तो ये 20,000 ₹7 लाख में पिछले साल के इंक्लूड है, इसलिए इसको हम माइनस कर देंगे। तो रिसिप्ट तो है ये हमारी, पर इनकम इस साल के नहीं, पैसा इसी साल मिला, रिसीव्ड इसी साल की है, तो इसको रिसीव्ड साइड में तो माइनस नहीं करेंगे, लेकिन इनकम नहीं है, ये इनकम लास्ट ईयर की है, इसलिए यहां से माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे क्या हम, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। क्या मतलब, आउटस्टैंडिंग यानी मिलना ड्यू, मिलना बाकी या देना बाकी, एक्यूरिटी भी लिख सकते, एरियर भी लिख सकते आउटस्टैंडिंग की जगह। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, इस नाम से हम इसको माइनस कर देंगे हम लोग। तो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 20,000 रुपीज, ये हमने लिख दी, माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद बाकी अमाउंट कितना बचा वो देखते हैं हम लोग। तो अमाउंट बचेगा बाकी का ₹6,80,000 बाकी बचे, ये हमारे इस साल की इनकम, ₹7 लाख मिले थे, 20,000 लास्ट ईयर के थे, माइनस कर दिए, बाकी 6,80,000 इस साल की इनकम है। अच्छा, फिर क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है वो देखते हैं। ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर ₹55,000, इस साल के 55,000 जो ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी तक मिले नहीं है, तो इनकम तो इसी साल की, ठीक है, अगले साल मिलेगी तो रिसीप्ट अगले साल की मानी जाएगी, लेकिन इनकम तो इसी साल की है ना, तो इसको ऐड कर देंगे। यानी हमें 6,80,000 इस साल के मिल चुके हैं, 55,000 और मिलना है, ये ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, इस तरीके से हम 55,000 रुपीज ऐड कर देंगे। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 6,80,000 प्लस 55,000, मतलब 7,35,000 रुपीज टोटल हो गए, ये हमारी इनकम हो गई।
तो यानी इस साल की जो इनकम है वो 7,35,000 है सब्सक्रिप्शन की इनकम। और रिसीप्ट अगर देखें कि इस साल मिले कितने, तो मिले 7 लाख रुपए, तो रिसीप्ट में 7 लाख लिख दिए क्योंकि रिसीप्ट 7 लाख है। लेकिन इस साल की इनकम अगर देखें तो 7,35,000 रह गए। तो इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाता है, रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट में लिखा जाता है। वैसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, हाउ मच अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एज ए सब्सक्रिप्शन। कितना सब्सक्रिप्शन अकाउंट इनकम में आएगा, 7,35,000। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कहाँ पे कैसे लिखा जाता है वो हमने समझा। रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट अगर पूछा होगा तो कैसे लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा होगा तो कैसे लिखेंगे, हमने इस चीज को समझा। सब्सक्रिप्शन को थोड़ा और एडवांस लेवल पे अगले लेक्चर में लेंगे। टोटल सब्सक्रिप्शन पे हम 4 लेक्चर ले रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट समझा था, इस लेक्चर में एक छोटा सा क्वेश्चन लेके सब्सक्रिप्शन के पॉइंट को समझा, थोड़ा सा और एडवांस अगले क्वेश्चन में, थोड़ा और एडवांस उससे अगले क्वेश्चन में। इस हिसाब से सब्सक्रिप्शन के टोटल 4 कंसेप्ट हम 4 लेक्चर्स लेने वाले हैं छोटे छोटे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अब इस बेसिस पर जो क्वेश्चंस कर सकते हैं उनमें जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 5 आप करके देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। TS ग्रेवाल की बुक से 12th एंड 14th नंबर का क्वेश्चन करके देखें, SC शर्मा की बुक से 9 एंड 11, तो DK गोयल की बुक से 10 से 13 तक के क्वेश्चन हम करके देख सकते हैं प्रैक्टिस में। ठीक है, अभी चूँकि जो प्रॉब्लम्स चल रही है पूरे कंट्री में तो बुक्स शायद आपके पास अवेलेबल ना हो, तो मैंने पहले ही कहा है कि अभी फ़िलहाल तब तक के लिए मैं आपको इन ऑथर्स के चैप्टर के ये जो क्वेश्चन है इसकी स्कैनिंग मैं आपको भेज दूंगा जब तक प्रॉब्लम। उसके बुक तो आपको खरीदनी पड़ेगी, तो 2-3 दिन की बात है, बाद में आपको खुद खरीदना है। ठीक है, तो मैं इसकी स्कैनिंग आपको भेज दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।